नहीं सीधा सीधा Hi guys, what's up? So, होली है कल एंड आई हैव जॉइंड कुकपैड. मैं आपके लिए होली स्पेशल एक रेसिपीज़ बनाने वाला हूँ. पहली चीज़ जो हम बनाएंगे वो है ठंडाई एंड दूसरी चीज़ जो हम बनाएंगे वो है प्याज और आलू की कचौरी. नाउ जो ठंडाई है इट्स वेरी ट्रेडिशनल होली के लिए. होली पे हम लोग ठंडाई में वैसे ड्राई फ्रूट्स और स्पाइसेस जाते हैं बट कई रीजन्स के अंदर भांग भी हम डाल के उसको इन्जॉय करते हैं बट बिल्कुल अनअडल्ट्रेटेड हम इधर ठंडाई बनाएंगे. सो लेट्स स्टार्ट. बेसिकली सबसे पहले ठंडाई के लिए अपने को दूध चाहिए विच शुड बी बॉइल्ड फर्स्ट एंड कूल डाउन. हमने एक लीटर फुल फैट दूध दिया है उसको बॉइल करने के लिए रखा हुआ है. जैसे जैसे ये बॉइल होगा इसका फैट थोड़ा सा अलग होगा एंड अपने को जितना मलाईदार दूध हो उतना बेटर. अब इस दूध के अंदर केसर डालिए इतना बहुत रहेगा. देखो सिंस द मिल्क इज लूकवॉर्म दूध गर्म है इसने कलर अपना साथ साथ में छोड़ना शुरू कर दिया. सिमर इट, इसको हल्की आंच पे रखिए एंड लेट इट बी. नाउ द सेकंड पार्ट, ड्राई फ्रूट का मिक्स. ये खरबूजे की गिरी है. कैजू नट्स, काजू, इनका इक्वल प्रोपोर्शन, लेट्स से एक टेबल स्पून इसका और एक टेबल स्पून काजू का विल बी परफेक्ट. जितना ज़्यादा हम लोग इसको रोस्ट करेंगे उतना ज़्यादा इसका फ्लेवर आएगा. अराउंड 10 से 12 बादाम. एंड फाइनली लास्ट के अंदर खसखस roughly 1 tablespoon and that's about it. Pista, just make sure gas zyada tez na ho aur isko hame chalate rehna hai otherwise jal jayega aur kadwa swad aayega. Doodh bhi hamara saath mein boil ho raha hai. कीप ऑन स्टरिंग इट, नीचे ना लगे, अच्छे से इसको मिक्स करते रहिए. ये भी हो गया है, गैस ऑफ. इसको
हम ठंडा करने के लिए रख देंगे। इसको दो सेकंड स्टेप विल बी एडिंग स्पाइसेस। ठंडाई का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट स्पाइसेस रहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट इलायची पाउडर, अच्छी क्वालिटी की इलायची यूज़ करेंगे उतनी ही अच्छी ठंडाई बनेगी। मे बी लाइक हाफ अ टी स्पून ऑफ इलायची पाउडर, हाफ टी स्पून दालचीनी का पाउडर, आधा चम्मच दालचीनी का पाउडर, 1/4 टीस्पून नटमेग पाउडर, जायफल कहते हैं इसको, हमने ग्रेट करके रखा हुआ है, और आधा चम्मच काली मिर्ची। इसको अच्छे से मिक्स कर लें। आप देख सकते हैं कि रंग चेंज हो गया है, अभी केसरी सा कलर आ रहा है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द केसर, केसर की वजह से, एंड स्पाइसेस अब इसके अंदर से इन्फ्यूज़ होंगे। अगला स्टेप विल बी एडिंग शुगर, अपने हिसाब से डालिए, मैं थोड़ी कम शुगर खाता हूँ तो मतलब आई विल बी एडिंग लेस, बट एक लीटर दूध के अंदर ऑलमोस्ट मे बी हाफ अ कप शुगर इज़ रिक्वायर्ड, मैं थोड़ी सी कम यूज़ करूँगा। सिमर करें। नाउ हम ये ड्राई फ्रूट्स का जो रिच सा मिक्सचर है इसका पाउडर बनाएंगे। ढक्कन कहाँ है इसका? कुलदीप ढक्कन देना इसका। बड़ा वाला दे दे। काफी क्वेश्चंस आ रहे हैं, आई विल बी आंसरिंग द क्वेश्चंस राइट नाउ। हाय एवरीवन, हेलो, हैप्पी होली टू यू गाइस, इज वेल फॉर द कॉन्टेस्ट। सो जो कॉन्टेस्ट है, आप अपना नेम रजिस्टर नहीं, हम आपको रूल्स देंगे, प्रोबेबली रेसिपी बेस्ड कॉन्टेस्ट रहेगा, यू विल गेट द रूल्स, यू विल गेट अ पोस्ट, सो डोंट वरी अबाउट इट। हेलो स्वाति, हेलो संचिता, हाय एवरीवन। So yes, I'll be uploading the recipe on my Cookpad account as well. So don't worry about the proportions. Hello, hello. Yeah, I hope अच्छा बने. So let's see. So for me personally, I'll tell you about my cooking story. Initially, I started off with my dad's pharmaceutical business. मन नहीं लग रहा था, then अपना data communications का और telecommunications का business शुरू किया, उधर भी मन नहीं लगा. Ultimately, my love for cooking drove me here and I went to Masterchef. जीत नहीं पाया, दिलगु contest है, एक ही बंदा जीतेगा, but again a very good experience and उसकी वजह से मैं इधर हूँ. So like this is my new project, this is my cloud kitchen. दिखाएं सबको. So we built the biggest cloud kitchen in Punjab. We have a designated Chinese section, continental section, Indian, and then a tandoor. So yes, I am living my dream. और cooking मतलब करने से मुझे तो बहुत खुशी मिलती है. Anyway, coming back to the recipe. See, ये powder काफी ज़्यादा अब बारीक हो गया है. एक लीटर दूध के अंदर approximately 3 बड़े चम्मच इस powder के. ज़्यादा भी डाल सकते हैं if you want it to be rich. चार डाल देते हैं, चलो कोई बात नहीं, एंड मिक्स इट प्रॉपरली. लम्स नहीं रहने चाहिए, अदरवाइज ठंडाई का मजा नहीं आएगा. एक सजेशन दूंगा कुकिंग के टाइम पे,
keep on tasting your dish. Just keep on tasting it. मेरे chefs जरा आप stir करेंगे dish. मैं एक मिनट में आ रहा हूँ. मेरी एक recipe रहेगी. And I'm back. इसमें थोड़ा सा और nuts का powder जाएगा. So let's say 5 tablespoons. Now the final element, rose water, gulab jamun. Maybe a teaspoon would be. बहुत अच्छी खुशबू आ रही है. Now again, your questions. My idea. Feeling like to drink as such hot. So Vrinda, इसको 2-3 घंटे अगर हम फ्रिज में रखेंगे. वृंदा तो इसको 2-3 घंटे हम फ्रिज में रखेंगे तभी पीने का सबसे ज़्यादा स्वाद आएगा. ठंडाई शुड बी ठंडी एंड नॉट गर्म. यस थैंक यू. सो जो व्यूअर्स अभी ज्वाइन किए हैं मैं अभी बता रहा हूँ कि हम होली स्पेशल रेसिपीज बना रहे हैं. ठंडाई रेडी है इसको बस हमने अब ठंडा करना है. इसके बाद हम बनाएंगे प्याज और आलू की तरकारी. सो गैस ऑफ एंड आई एम कीपिंग इट असाइड. नाउ द सेकंड रेसिपी फ्राइंग पैन देना नॉन स्टिक. सो कचौरी अब हम लोग बनाएंगे. कचौरी बहुत अलग अलग टाइप की होती है. पंजाब के अंदर बेसिकली पीठी वाली कचौरी चलती है जो उड़द दाल का जिसका आटे का हम लोग भिगो के उसको पीस के बनाते हैं. बट हम इधर प्याज और आलू की कचौरी बनाएंगे. सौंफ के साथ फ्लेवर करेंगे. होली पे बहुत अच्छी ये कॉम्बिनेशन है ठंडाई और कचौरी का. एंड वील सर्व इट विद अ चटनी इमीडिएटली. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट प्रोसेस इज आटा लगाना. कचौरी के अंदर बेसिकली मैदा जाता है और सूजी. एक पार्ट मैदे का लेट्स से एक कप मैदा एंड आधा कप सूजी. टू दिस वी विल ऐड ऑलमोस्ट हाफ अ कटोरी ऑफ देसी घी. इसमें पानी डाल के हम इसका डो लगाएंगे. सर डो लगा दीजिए. अब जितनी देर इसका डो लग रहा है लेट्स मेक द फिलिंग. ऑयल इन अ नॉनस्टिक पैन थोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा. Don't forget to turn on the gas. Gas on कर लीजिए. I can be clumsy at times. किशमिश डालेंगे इसके अंदर. प्याज और भी किशमिश डाल सकते हैं. इसको रोस्ट होने दीजिए.
Well, you guys can come to my kitchen. You're always welcome. Ludhiana ke andar hai. Message me, write me an email, and I'll give you my kitchen card tour. Aur aap khana bhi baka sakte hain, so don't worry. Iske andar hum aloo daal denge. Thodi si chini to this mix. Sonf powder. One and a half teaspoon will be fine. Namak swad anusar. Haldi, aadha chammach. And aadha chammach dhaniya powder. And that's it. इसमें हम काजू भी डाल सकते हैं, so like you can add nuts, काजू डाल लीजिए, मगज़ डाल लीजिए, बादाम डाल लीजिए, you know taste nice. पीछे, so our mixture is ready. हमारा डो भी लग गया है, आप देख सकते हैं काफ़ी टाइट है और दरदरा है. अब कचौरी भरने का प्रोसेस इज़ द मोस्ट ट्रिकीएस्ट. अब नॉर्मल चपाती जितना डो लीजिए, उसको हल्के हाथों से गोल करिए. यूज़ अ क्लीन सर्फेस, उस पर फैला लें इसको अच्छे से. Be gentle with the dough. मतलब चकले के साथ भी हम इसको कर सकते हैं, बट जितना आप हाथ यूज़ करेंगे, हलवाई वाला मेथड यूज़ करेंगे, उतना बेटर है. ट्रेडिशनल वेज ऑफ कुकिंग मैं अभी भी बोलूँगा आर द बेस्ट. जितना मर्जी हम लोग ट्राई कर लें मॉडर्नाइज करते हुए, बट जो पुराने तरीके से हम लोग खाना बनाते थे वो सबसे अच्छा होता है. ये हमारा मिक्सचर रेडी है, बिल्कुल बीच में इसको प्लेस कीजिए और कचौरी को साइड से डो. जैसे अब ज़्यादा मिक्सचर हो गया तो अपने इसको निकालना पड़ेगा. डो लगाएं, इसको अंदर लें, मेक श्योर एवरीथिंग इज़ इनसाइड, अदरवाइज कचौरी फटेगी तो नहीं बट क्लीन नहीं रहती. गोल हो गई, अब इसको हल्के हल्के हाथों से फ्लैट करिए. द परफेक्ट कचौरी शेप. हमने पहले से कुछ कचौरी बना के रखी हुई है, वी विल बी यूजिंग दोस. प्री हीट द ऑयल, मेक श्योर तेल ज़्यादा गर्म ना रहे, अदरवाइज कचौरी फंसता रहती है. इसके अंदर मोइन हमने ऐड किया होता है, जैसे हमने घी डाला, अगर हम इसको तेज़ आंच पर पकाएंगे अंदर से कच्ची रह जाएगी. तो मेक श्योर टेम्परेचर बहुत मीडियम टू हाई के बीच में. आराम से इसको आप तेल में डालिए. हम चार कचौरी फ्राई कर रहे हैं अभी. एंड लेट इट सिट देयर आराम से, ज़्यादा हिलाना नहीं है जब तक ये स्टिफ नहीं होती.
हमारी ठंडाई अभी भी गर्म है बट वील सर्व इट. सो आई एम एडिंग अ मास्टर शेफ टच टू दिस. स्पून देना एक ब्लैक वाला. मैं हमारी ठंडाई में थोड़ा सा गुलकंद ऐड करूँगा. ट्रस्ट मी गाइस, दिस इज गोना यू नो लिफ्ट द फ्लेवर्स. बहुत अच्छा इसको फील, मतलब माउथ फील देगा. अरोमा बहुत अच्छा होता है गुलकंद का. एंड यू लव इट. जिस भी आपने ग्लास में सर्व करना है जस्ट एड लाइक हाफ अ स्पून ऑफ गुलकंद, मे बी अ बिट मोर. नाउ द ट्रिकीएस्ट पार्ट, पर्सनली मेरे लिए तो ज़रूर होता है. मैं मम्मी को अभी भी बोलता हूँ कि मेरे से कभी भी पतीले से चाय कप में नहीं सही डलती. सो दिस इज़ अ टेस्ट फॉर मी. तो लेट्स सी कितना गंद डालते हैं हम लोग. सी आई डोंट यू वी कैन गेट दिस क्लीन, डोंट वरी. आ जाओ. आर ठंडाई इज डन. वी गोना गार्निश दिस विद सम almond flakes and piste ke flakes, gulab ka patta, isko saaf kar dete hain, and thoda sa kesar. aur isko ab hum fridge mein rakhenge, thoda sa thanda ho jaye shayad. कलर इज चेंजिंग. इसको ज्यादा हिलाने की जरूरत नहीं है. हम नॉर्मल 5 के ऊपर अगर इसको हम फ्राई करेंगे दिस विल बी परफेक्ट. हल्का सा ब्राउन कलर आने दीजिए. सी देखिए, एक या दो मिनट इसको और लगेंगे, ज्यादा नहीं टाइम लगेगा. ओके, आई बी आंसरिंग सम क्वेश्चंस. आप मेरे से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. कैन वी मेक कचौरी इन अप्पम पात्रा? सो आई गेस यू आर आस्किंग मी, आप मेरे से पूछ रहे हैं कि अप्पम पात्रा इज अ यूटेंसिल. आई गेस यू कैन इट्स कुकिंग है एंड इंडिया है तो वी आर नोन फॉर यू नो डाइवर्सिफाइंग, अलग अलग फ्यूजन्स करने के लिए. इसलिए यू कैन डू एनीथिंग. Yeah, it is sort of crispy. It is quite crispy. All right, you can ask me questions. आप questions पूछ सकते हैं, cooking के बारे में पूछ सकते हैं, इस recipe के बारे में पूछ सकते हैं, and I'll be happy to answer anything. Come to Surat, we want a workshop. Invite me, I'm coming, I love traveling. So tempting and mouth-watering. Thank you, Brinda. मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है. आप सबको मतलब मेरी रेसिपीज एंड कुकिंग पसंद आ रही है. आई होप आप ये ट्राई करें अपने घर पे. एंड डेफिनेटली मार्क माय वर्ड्स, यू लव इट. इजी रेसिपीज हैं. आई डोंट गो इनटू कॉम्प्लिकेटेड स्टफ. जो घर पे अवेलेबल होता है उसी में बनाना होता है. या सो कमिंग बैक टू द कचौरीज, ऑलमोस्ट डन. Like maybe आधा मिनट से एक मिनट और and these are perfect. एक और बात, कचौरी बनाते टाइम हम गैस इतनी भी स्लो ना कर दें कि ये ज्यादा सख्त हो जाए. मीडियम टू हाई, ध्यान रखिएगा मीडियम टू हाई. मेरा पहला ऑडिशन आई रिमेंबर अमृतसर के अंदर हुआ था. उस टाइम पे वी वर आस्ड टू यू नो गेट फूड फ्रॉम आर होम्स. सो मैंने जो स्टार्टिंग में बनाया था ऑथेंटिक मेक्सिकन टाकोस बनाए थे, साथ में पुल्ड चिकन था इसके साथ, रॉ मैंगो पिकट गेलो. पिकट गेलो इज़ ए रॉ सालसा जिसके अंदर हम प्याज और टमाटर को पकाते नहीं हैं. हाँ, तो फर्स्ट ऑडिशन में ये था. सेकेंड ऑडिशन में देर वॉज अ चिकन रूलाड
with लीची relish and almond की stuffing की हुई थी chicken के अंदर. तीसरा ऑडिशन भी मैं बता देता हूँ, उसके अंदर मैंने चाइनीज बनाया था, देयर वर डिमसम्स, कुम पाओ एंड जैस्मिन राइस. एनीवे कमिंग बैक टू द कचौरीज, ऑलराइट दीज आर डन. ये कलर होना चाहिए, आप बाकी इसको ड्रेन कीजिए. तो कचौरीज आर डन, बट इसको हवा लगवाएंगे हम लोग. कोई भी तला हुआ खाना, फॉर एग्जांपल समोसा, कचौरी, सेवियाँ, कुछ भी हम लोग बनाएं, अगर वो तला हुआ है उसको हवा लगाएं, क्योंकि ये ज़्यादा क्रिस्पी रहता है, स्टीम इसकी बाहर निकल जाती है एंड इट गिव्स अ बेटर टेक्सचर. ऑलराइट, कैन यू टीच अस पफ पेस्ट्री डो? सो पफ पेस्ट्री डो इट्स सिंपल, इट्स वेरी सिंपल. नॉर्मल मैदे को आप लगाएं, उसका नॉर्मल पत, मतलब ज़्यादा हार्ड भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए आटा लगा के, उसको बेलन से फैलाएं, बटर लगाएं, फोल्ड इट, देन अगेन बटर, फोल्ड इट अगेन, फिर बाद में उसको नीट कीजिए एंड लाइक 12 लेयर्स शुड बी मिनिमम. आई प्रेफर के 20 के आसपास रहे एंड आपका पफ पेस्ट्री का डो लग जाएगा. इसके अंदर अपने को बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर भी ऐड करना होता है. सेकेंड वॉन्ट टू लर्न चेफ, डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम आई विल बी टीचिंग यू मे बी चाइनीज. प्लैटर देना है, कोई लॉन्ग प्लैटर. सो विल बी प्लेटिंग द कचौरीज, डन. सी दीज आर ड्राई, एक्सट्रीमली ड्राई एंड हॉट एज वेल. ज़्यादा प्लेटिंग का कुछ रहता नहीं है, जस्ट लाइन देम. And we're gonna serve this with imli ki chutney. Best combination, kachori and imli ki chutney. I'll try this. So, my holy special meal, kesar thandai, imli ki chutney. इसकी रेसिपी आप गूगल से देख सकते हैं, कुकपैड के ऊपर मेरे व्यूअर्स इमली चटनी की रेसिपी सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे भी मिलेगी. एंड द कचौरी, सो यू कैन सी खस्ता एंड सी द इनसाइड, इट्स स्टीमिंग हॉट. परफेक्ट, डू ट्राई इट, दिस लाइक प्रीटी गुड. आज सो यस, आई एम हियर to answer some more questions. 5-7 minute mein aur hoon, so you can ask me questions. Our dish is done. Kachoris are looking crisp as well. These are crisp. Khasta hai, zyada crisp nahi. One personal question, is it hard to enter MasterChef? So, listen, ye bahut zyada tricky question hai. Competition rehta hai. I remember mere time pe bhi around 3-4 lakh jan ne audition diya tha. But again, entering the competition or MasterChef should not be the target. अगर आपको खाने से प्यार है, इफ इट्स योर, इफ कुकिंग इज योर पैशन, यू विल रीच एनीवेयर. सो डोंट वरी, जस्ट डू नॉट वरी अबाउट द कंपटीशन, थिंक अबाउट द फूड एंड दैट यू लव फूड एंड दैट्स अबाउट इट. हमें भी खिलाओ, आप भी आइए खाइए. प्लीज इन योर मास्टर शेफ जर्नी. सो आई बी क्विक विद द मास्टर शेफ जर्नी. फर्स्ट ऑडिशन अमृतसर, सेकेंड ऑडिशन दिल्ली, थर्ड ऑडिशन बॉम्बे, फोर्थ ऑडिशन जोधपुर एंड देन यू गाइस सॉ मी ऑन टीवी. बहुत टफ कंपटीशन था, एक घंटे के अंदर 3-4 डिशेस रेडी करनी, सब कुछ सारा मीज़ा लगाना, वेरी डिफिकल्ट, ट्रस्ट मी, वेरी 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 डिफिकल्ट. एंड स्पेशली जब तुम्हारे ऊपर 20-25 कैमराज होते हैं, प्रेशर अलग लेवल का ही होता है. बट अगेन आई एम थैंकफुल टू टीम मास्टर शेफ, जिन्होंने मुझे मौका दिया एंड उसी की वजह से लाइक आई हैव बिल्ट दिस. आई एम प्लानिंग टू ओपन माई फोर्थ रेस्टोरेंट एज वेल. सो या, थैंक यू. कचौरी खा ली तो अब ठंडाई भी दो. ओके, आई गरम है. सो बट अगेन ओके, दिस इज नाइस. इसको ठंडे करेंगे तो और अच्छी लगेगी, बट एक्चुअली वेरी नाइस. मैं कचौरी फिर से खाऊंगा चटनी के साथ इस बार.
मीठा और नमकीन का फ्यूजन आई से बहुत ट्रिकी रहता है बट बहुत अमेजिंग होता है. हम छोटे होते थे तो मंदिर वगैरह में जाके बूंदी और बदाने का मिक्सचर होता था, सेम ऐसा ही फीलिंग आ रही है. कचौरी स्लाइटली यू नो नमकीन, थोड़ा सा इसमें सौकी का किशमिश का मीठा टच है और ठंडाई के साथ इट्स ब्लेंडिंग वेरी ब्यूटीफुली. एनीवे थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक्ड एवरीथिंग जो भी मैंने बनाया. यू कैन यू नो कमेंट इन द वीडियो आपको नेक्स्ट टाइम में क्या सीखना है एंड आई डेफिनेटली कुक दोज थिंग्स फॉर यू. एंड थैंक यू एंड हैप्पी होली टू एवरीवन. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू.